अमर सिंह जी क्या हुआ? मैं उत्तरा का बड़ा भाई हूँ। वो ऐसे कि मुझे पिछले 10 दिनों से परेशान था, तो मुझे बीच में फ़ोन भी आया, मेरे को बोला कि मेरे बच्चे संभाल लेना, मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद मजाक कर रहा है, पहले भी कई बार होता था, चलो मजाक करता था, मैंने सोचा मजाक कर रहा, मैंने बात को मजाक में ले लिया। हुआ क्या कि इसने फिर बताया कि भाई मैंने कॉन्टैक्ट लिया था पूरी क्लॉथ हाउस वालों का, तो उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट दिया था और बाद में ये मुकर गए, इन्होंने अपने बंदे कर लिए, कैटरिंग वाले भी, बाजे वाले भी सारे अपने बंदे कर लिए। तो बाद में मेरे पे स्ट्रेस बना दिया कि जी पैसे तू दे, और मेरे को घर पे बुला के उन्होंने टॉर्चर करके मेरे से ब्लैंक चेक साइन करा लिए दो। अगर उन्होंने क्या अमाउंट लिखी वो उनको ही पता है, इन्होंने एफिडेविट भी लिखवाया था, वो एफिडेविट भी इनके पास ही है, इसको कोई कॉपी नहीं दी है, साइन करा लिया और इसको डेली टॉर्चर करने लगे कि तू पैसे दे। अब इसके पास पैसे तो थे नहीं, इसने इवन जो बंदे बुक कर लिए थे उनको भी अपनी तरफ से पैसे दे दिए थे कि बुकिंग कर लिए, चलो इनसे पैसे आएंगे उनको दे देगा, लेकिन वो दे नहीं पाया। इसको काफ़ी स्ट्रेस हो गया। अब एक शादी कल थी नहीं, यहाँ पे हमीरपुर में ही, उस शादी में इसने एक कतना कोई टेंट हाउस वाला है उसको कॉन्टेक्ट किया था, तो उसने एंड मौके पे बोला जी मेरे को पैसे, हलवाइयों को बोला कि भी तुम इनको बोलो, हलवाइयों ने इसको बोला कि जी मैं हमारे पैसे दे तो हम कैटरिंग के लिए आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। फिर उसने बोला कि यहाँ पे किसको पैसे देने हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम कतना को पैसे दे दो, हम कतना से पैसे लेके और कैटरिंग पे आ जाएंगे। इसने कतना को पैसे दे दिए, तो कतना ने आगे हलवाइयों को पैसे नहीं दिए। जब ये पैलेस में गया तो पैलेस वाले ने इसको टॉर्चर किया कि तेरे हलवाई नहीं आए, अब काम कैसे होगा, और उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिए। तो इसकी पत्नी का स्टेटमेंट है, जो हम तो लुधियाना से आए हैं, इसकी पत्नी ने जो हमें बताया वो ये बात थी कि उसको धक्के मार के बाहर निकाला, वो घर आ गया, घर आके परेशान था, बोला कि मैं घर वाले बोल के आप शादी छोड़ के क्यों आ गए, तो उसने बोला कि मैं बच्चों को मिलने आया हूँ, और घर वाले ने बोला कि चलो अब कॉन्टैक्ट हो गया आपका, आप शांत हो गए, कहता हाँ जी मैं शांत हो गया। उसके बाद बोला कि मैंने जंगल वैली में किसी से पैसे लेने हैं, वहाँ पैसे लेने जा रहा हूँ, पैसे लेके आता हूँ, फिर मैंने उनको देने हैं। तो जंगल वैली ये पता नहीं उसको पैसे मिले कि नहीं मिले। उसके बाद धार एक है गाँव, वहाँ पर मंदिर में पूजा करता था ऑलरेडी, वहाँ पर गया तो वहाँ पर उसने जहर खा लिया, और घर वाले को फ़ोन कर दिया कि मैंने जहर खा लिया है। और उसके बाद इन्होंने उठाया, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी भी इसकी वहाँ लटकी हुई है पहाड़ी पे, और पुलिस वाले जो आए तो पुलिस वालों ने इसकी पत्नी से बेहोशी की हालत में बयान लिखा के साइन करा लिए। अब इसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो पुलिस वाले जानते हैं, इसलिए हम लोग DSP साहब के पास हमने बात की थी, इन्होंने बोला कि हमें एप्लीकेशन दो, हम आपकी हर समस्या का हल करेंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं। अब उनके पास हम एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, उम्मीद है कि वो। अच्छा विनीता जी, क्या हुआ है बताएं। मेरे पति कैटरिंग का काम करते थे, ब्याह शादी में कैटरिंग टेंट हाउस का, और इवेंट ऑर्गेनाइजर थे, जैसे होली वगैरह के जो प्लेबैक सिंगर आते हैं वो हायर करते थे। पिछले काफी समय से परेशान थे, लेन देन का कोई मामला था मुझे नहीं पता, कितने टेंट हाउस वाले और क्लॉथपुरी हाउस वाले और एक बसंत पैलेस वाला तरुण, उन्होंने उनको बहुत परेशान किया था, बहुत परेशान किया। मेरे पति ने जहर खा लिया। तो आज आप यहाँ पे आए हैं कि हस्बैंड का जो है पोस्टमार्टम चल रहा है, खुली ने बोल दिया। आज मेरे पति जी को पोस्टमार्टम होना है, हम डेड बॉडी लेने आए हैं और एप्लीकेशन लगाई है हमने DSP मुझे न्याय दिलाया जाए। और जो भी ये लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं लोगों को, उनके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। मेरे कोई ना बस ठीक है जी। और एक तरुण को साथ पूरी क्लास था उसमें, बहुत परेशान किया था मेरे पति को, वो मरना नहीं चाहते थे, मजबूर करती मेरे पति बहुत ठीक है, वो बहुत मजबूर थे, कल घर आए और रो पड़े, मेरे मकान को बहुत परेशान कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, बोला इन्होंने और घर से चले गए। ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इसमें परिजन एक शिकायत पत्र लेकर हमारे ऑफिस में आए थे, और शिकायत पत्र को जांच के लिए हमने दिशा निर्देश दे भी दिए, और इसमें हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई आएगी उसको हम अमल में लाएंगे।